आज गणतंत्रता दिवस है, शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज हम सब लोग कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि बाबा साहब का सपना हम पूरा करेंगे। बाबा साहब ने जो सपना देखा था कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उस सपने को हम पूरा करेंगे। मैं सोच रहा था बाबा साहब की आत्मा जहां कहीं भी होगी, अगर आसमान में आज होगी और ऊपर से देख रही होगी तो हमें जरूर खूब आशीर्वाद दे रही होगी। मैं सोच रहा था अगर आज बाबा साहब जिंदा होते तो हमें खूब आशीर्वाद देते, हमें गले से लगा लेते। हमारे दूसरे आइडल शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में, 23 साल में एक युवा अपनी जिंदगी के सपने देखता है, रोमांस करता है, आने वाले भविष्य के बारे में सोचता है कि शादी करूंगा, बच्चे होंगे, ये बनूंगा, वो बनूंगा, करियर के बारे में सोचता है। इस बंदे ने अपने बारे में ही सोचा, 23 साल की उम्र के अंदर वो हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गया। आज किसी भी युवा से बात कर लो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच खड़ा हो जाता है, जैसे हम भगत सिंह के बारे में सोचते हैं। किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के योगदान को, उसके शौर्य को, उसको कम नहीं आंका जा सकता। हर एक ने अपने अपने स्तर के ऊपर खूब कुर्बानियां दी, खूब संघर्ष किया, लेकिन दो महानुभाव, दो स्वतंत्रता सेनानी ऐसे हैं जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूं। मैं समझता हूं कि वो शायद बाकी सब में एक हीरे की तरह चमकते हैं। वो दोनों हैं, एक है बाबा साहब अंबेडकर और दूसरे हैं शहीद आजम भगत सिंह। दोनों के रास्ते अलग थे लेकिन दोनों की मंजिल एक थी, दोनों के सपने एक थे। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत संघर्ष किया। आइंस्टाइन ने एक बार महात्मा गांधी के लिए एक लाइन बोली थी। आइंस्टाइन ने कहा था, जनरेशंस टू कम विल स्केयर्स बिलीव दैट सच अ मैन एज दिस वन एवर इन फ्लेश एंड ब्लड वॉक्ड अपॉन दिस अर्थ। आइंस्टाइन ने कहा था कि आने वाली पीढ़ियां यकीन नहीं करेंगी कि कोई ऐसा व्यक्ति हार्ड मास में इस पृथ्वी पे कभी पैदा हुआ था, इस पृथ्वी पे कभी चला था। मैं जितना ज्यादा बाबा साहब अंबेडकर को पढ़ता हूं, उनके जीवन के बारे में पढ़ता हूं, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ता हूं, उतना ज्यादा मुझे लगता है कि यही लाइन आइंस्टाइन की पूरी तरह से बाबा साहब अंबेडकर पे भी लागू होती है। जितना ज्यादा मैं पढ़ता हूं, मुझे यकीन नहीं होता कि ऐसा व्यक्ति कभी पैदा हुआ था और इस किस्म का संघर्ष कर सकता था, ऐसा कभी काम कर सकता था। 1891 में पैदा हुए महार जाति में। महार जाति को उन दिनों में अछूत माना जाता था। उनके घर में खाने को नहीं था, बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत गरीब। स्कूल जाते थे, क्लास में नहीं बैठने देते थे, क्लास के बाहर बिठाते थे, पानी नहीं पीने देते उससे गड़े, ऊपर से पानी उनको डाला जाता था। वो शख्स जिसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को, वो शख्स जिसने कदम कदम पे छुआछूत को बर्दाश्त किया, युवा बनने के बाद वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करके आता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। 1914-15 के आसपास की बात है जब उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। मैं 1914-15 मतलब आज से 100 साल पहले, कोई इंटरनेट नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, मैं तो
सोच रहा था कि उन्होंने फॉर्म भी कैसे मंगाए होंगे कोलंबिया यूनिवर्सिटी के, उन्होंने अप्लाई भी कैसे करा होगा। उनको पहली बात तो ऐसा बच्चा जो इतने गरीब और पिछड़े बैकग्राउंड से आता है, उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी का नाम भी कैसे सुना होगा, मैं तो ये सोच सोच के चंबित रह जाता हूँ। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा, वहां से पीएचडी करी, वहां से पीएचडी करने के बाद फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं, वहां से दूसरी पीएचडी करते हैं। आज की डेट में, आज के युग में, इंटरनेट के जमाने में, इतनी सुविधाओं के बावजूद हमारे अपने बच्चे, इतने सारे अफसर बैठे हैं यहाँ पे, इतनी हमारे अपने बच्चे आज लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन अगर लेना चाहे तो कोई आसान बात नहीं है। आज से 100 साल पहले 1916 में जब उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे और पैसे जेब में धेला नहीं है उनके, जेब में चवन्नी नहीं है उनके, और वहां जाके पढ़ रहे हैं, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ते पढ़ते उनके पैसे खत्म हो गए, बीच में छोड़ के आना पड़ा, और जब वापस आए फिर पैसे इकट्ठे किए, थोड़ा कमाया, इधर उधर पैसे इकट्ठे करके वापस अपनी डिग्री पूरी करने जाते हैं और फिर देश का संविधान लिखते हैं और देश के पहले कानून मंत्री बनते हैं। गजब का इंसान है।